स्वच्छ काशी और स्वच्छ भारत अगर देखा जाए तो बड़ा मतलब एक तरह दोनों का एक मेल हो जाता है। लेकिन जब काशी में आते हैं, जब काशी बनारस का नाम आता है तो तुरंत लोग कहते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मतलब माँ गंगा ने बुलाया है। मैं आपको बता दूं कि वाराणसी, यहाँ मैं वाराणसी पे हूँ, वाराणसी जंक्शन पे हूँ, आप देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन पे मैं था। आज दो दिन हो गया धीरे धीरे मुझे बनारस में, लेकिन बनारस में मुझे नहीं पता है कि लोग कितने मेरे चाहने वाले हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये सब मुझे नहीं पता हो। लेकिन कोई ना कोई मिल ही जाता है। अभी रास्ते में आ रहा था, अब कोई मिल गया है, मैं उनसे रूबरू कराऊँगा आखिर ये क्या है, मेरे वीडियो से क्या ऐसा क्या लगता है कि जिसको मतलब देखने के बाद एक अलग आभास होता है, एक अलग ज़िंदगी लोग जीते हैं, आखिर हकीकत क्या है, ये आज मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि भैया आप वीडियो जो बनाते हैं, वीडियो बनाने का एक अलग अंदाज है, एक अलग किरदार है, तो सच्चाई है जितेंद्र अलग करता है और करता रहेगा चाहे जो भी कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं है लगता है कि करके कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे भी नहीं पता होता है कि कितने लोग मुझे देखते हैं, कौन देखता है, कितने फैन फॉलोअर्स हैं, ये मुझे नहीं पता है। हाँ, लेकिन कार्य मैं नित्य करता हूँ और करता रहूँगा अपने लिए। लोग कहते हैं ना कि जीना और मरना अपने हाथ में है, किसी के मतलब वो नहीं है। लेकिन इस वीडियो से और हमेशा जो वीडियो करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो हमेशा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसे नहीं करता, ज़िंदगी से हार जा, उनके लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि मरना बड़ा आसान है, किसी भी स्थिति में आप जी कर दिखाइए तो समझ में आएगा। अब चलते चलते भैया एक हमसे जुड़ गए हैं, जो कि मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन बेचारे गाड़ी घुमा कर आए, पीछा करते हुए आए और कहे कि सर मैं आपको जानता हूँ। तो बड़ा ये भी अद्भुत लगता है कि आखिर ये कैसे हो जाता है कि सर मैं आपको जानता हूँ, आखिर क्यों ऐसा क्यों है। आप देख रहे हैं हमारे बीच में विवेका जी। सर नमस्ते। अरे विवेका जी, सभी दर्शकों को नमस्ते। अरे विवेका जी, कब से आप हमको देखते हैं? सर आपको मैं करीब 6-7 महीने से मैं आपको देख रहा हूँ सर। कौन सा पहली वीडियो आप देखे थे मेरा? सर पहली वीडियो आपका मैं पटना वाला वीडियो सर, पटना में ही देखा था, पटना वाला वीडियो जी सर। अक्सर होता है। आइए आइए, आप भी आ जाइए, देखिए कोई और जुड़ गया है। ऐसे मुझे भी नहीं पता है, लेकिन लगता है कि मतलब है, कहीं जाने के बाद 10 लोग जुड़ ही जाते हैं कि कौन है कैसा है, मुझे नहीं पता होता है, लेकिन मैं कार्य नित्य करता हूँ और करता रहूँगा, इससे चाहे कोई भी कुछ। लोग कहते हैं ना कि जीना है और जीना सिखा देना है, जो भी होगा लेकिन स्वाभिमान बेच के ज़िंदगी नहीं जीना है, अभिमान से ज़िंदगी जीना है। क्यों, आपका शुभ नाम क्या है? राजेश पाल सर। अरे राजेश पाल जी, कहाँ से हैं आप? सर हम जौनपुर से हैं। जौनपुर से हैं आप, हमें जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे कब से जानते हैं? अरे हो गया पिछले करीबन 1 साल से। 1 साल से हमें जानते हैं। अरे वाह, देखिए जौनपुर से है और चंदौली से, जौनपुर चंदौली के लोग हैं जो हमसे जुड़ गए हैं। ऐसे सच्चाई है, कहीं ना कहीं लोग हमारा वीडियो देखते हैं, हमारा क्लिप देखते हैं। आई नहीं लोग, मैं कहता हूँ हमें था ना कि जितेंद्र 0 था 0 है और 0 रहेगा, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत राजमहल बनाने का सपना नहीं है, ना बहुत पैसा कमाने का सपना था, सपना तो यही था कि ऐसे जवानों के बीच में मैं आऊँ। सबके लिए हीरो हैं सर, आप समाज के लिए हीरो हैं जी सर। आपको देख के बहुत लोग मोटिवेट होते हैं सर। देखकर बहुत मोटिवेशन होता है कि अगर ऐसे आदमी कुछ कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते जी सर। क्योंकि हम लोग भी एक कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं यहीं पर बनारस में ही रह के, बस आए उधर ही से हम जा रहे थे तो हमें लगा कि आप ही हैं तो हम इधर से आ गए। अरे वाह वाह, देखिए चंदौली और जौनपुर, ये लोग चंदौली और जौनपुर से। मुझे तो विद्यापीठ वाले रोड से जा रहा था तो सर को देखा, मेरी गाड़ी आगे थोड़ी सी बढ़ गई, फिर मैं तुरंत यूं टर्न लेके फिर जो है कि आपका सर का पीछा करके फिर रोक के फिर सर से मिला हूं। चलिए सर को लेके आए हैं। आप लोग गौरवान्वित महसूस मत करिए कि जितेंद्र के साथ वीडियो कर रहे हैं तो गौरव मुझे है कि आप मेरे भगवान हैं जो मेरे सामने साक्षात हैं, ऐसा मत समझिएगा। आप लोग मुझे देखते थे, मैं नहीं, किसको को लोग नहीं देखता है, भगवान को नहीं देखता है, आप लोग मेरे लिए भगवान है, इसलिए आज मुझे देखने का सौभाग्य हो गया है। आप लोग देखते थे मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मेरे लिए आप लोग भगवान है और आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं धन। कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमने पहले आपको 1 साल पहले जो बृजभूषण दुबे हैं तो उनकी वीडियो देखते थे हम लोग को, तो उन्होंने आपके उनके साथ आपने वीडियो किया था तो इसी उन्हीं के संबंध से आपको हमने जाना। अरे पाल जी, बनारस में क्या चलता है आप? सर यही तैयारी कर रहे हैं सर, रेलवे का। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे देखिए पॉलिटेक्निक किए हैं। अच्छा, हाँ तो कब का पॉलिटेक्निक किया? पॉलिटेक्निक तो अभी मेरा इसी साल पास आउट हुए हैं, उसके पहले ITI थे, तैयारी कर रहे थे, पिछले नहीं हुआ, कंपटीशन है। देख लीजिए भैया, कंपटीशन करते हैं लेकिन सरकार
तो भैया आंधी है। ऐसे लोगों के, ऐसे नौजवानों के ऊपर कभी नहीं सोचते। एक बात हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं, जो टेक्निकल लड़के हैं, जैसे जो बीटेक कर रहे हैं, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं, जो टेक्निकल वैकेंसियां हैं वो नहीं रिलीज कर रही है। इनको सिर्फ दिख रहा है एक पुलिस दिख रहा है, एक शिक्षक दिख रहा है। पिछले जो जो सरकारें हो, जो अब इस समय वर्तमान, हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि यूपीपीसीएल जेई का वैकेंसी आएगा, नलकूप में जेई का वैकेंसी आएगा, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करें। चेहरे पे इनके साफ झलक दिखाई दे रहा है कि मैंने जो संघर्ष किया है, मैंने जो किया है उसका सीधा सरकार ने नहीं दिया। माँ बाप का सपना, मेरा सपना, पूरे परिवार का सपना लेकर मैं जौनपुर से बनारस आया, बनारस से न जाने कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने पॉलिटेक्निक किया, आईटीआई किया, बीटेक किया, एमटेक किया, लेकिन कब सुनेगी आंधी सरकार? ऐसे लोगों के बारे में आप कब जगेंगे भाई साहब? और इसमें सरकार को कहना चाहता हूँ, सरकार आपकी आती है जुमलेबाजी करने के लिए, ऐसे नौजवानों के ऊपर थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं देते, ऐसा क्यों, कब तक चलेगा ऐसे? क्या मतलब सपना है आपका? सर यही बनने का सपना है, बस यही बनने का, यही बनने का, इसीलिए पॉलिटेक्निक किए हैं। लेकिन टेक्निकल वैकेंसियाँ नहीं रिलीज कर रही है सरकार, कर रही है तो इतने बड़े विभाग में, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा कंपटीशन है, आप बताइए कहीं 150 वैकेंसी निकाल कर आप लड़कों को सिर्फ उसमें झोंक कर आप पैसा उतना तो कवर कर रहे, जितने भी बच्चे हैं डालेंगे कंपटीशन उतना तगड़ा होगा, जितनी कम वैकेंसी रहेगी, वैकेंसियाँ बहुत खाली है, चाहे जो है जिस डिपार्टमेंट में देखिए, टेक्निकल वैकेंसी जेई में है, नलकूप विभाग में है, रेलवे में है, लेकिन सरकार वैकेंसी देना नहीं कुछ प्राइवेट है, और रेलवे भी तो बेचा जा रहा है। हाँ। और बिजली विभाग को भी इन्होंने प्राइवेट करने का ही पूरा सा मूड बना लिया। सबका साथ सबका विकास, जब तक आचार संहिता नहीं लगा था तब तक हम लोगों को उम्मीद था कि सबकी वैकेंसी आ रही है, हम लोगों का भी वैकेंसी आ जाएगा, राजस्व लेखपाल आया तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लागू हो गया सारी उम्मीदें टूट गई कि अब नहीं कुछ कर सकते। महोदय जी, अब सिर्फ वही है, एक वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की, बस उसी में लगे हैं, ग्रुप डी का, ग्रुप डी। आपने एक नारा तो दे दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसे नौजवानों का सर्वनाश हो रहा है, ये जितेंद्र कह रहा है। सर सरकारें जो हैं हमारे देश में, सिर्फ स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ बंद, रैलियों चाली, उसके लिए कोरोना नहीं है, उसके लिए कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ सरकार ये चाहती है कि कुछ इनको ऐसे उलझाओ, इनका शिक्षा स्तर गिराओ। कब तक आप राशन देंगे हमें? हमें क्यों अपाहिज बना रहे हैं हमारे देश? क्या बात है, क्या बात है? राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लीजिए लीजिए, फ्री में नमक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कब तक देंगे? आप गरीबों को अपाहिज बना रहे हैं। बढ़ा लीजिए जी, कुछ न कुछ ऐसा करो, उनको रोजगार दो, उनको ये ना दो कि आप हमें कुछ उन्हें दें, कुछ ऐसा दें ऐसे चले। एक मिनट मैं आपसे अभी बात करता हूँ। देखिए ऑटो वाले बनारस, ये संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है। हाँ। और ऑटो चलाते हैं, कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करना? भैया हम लोग ने इतना दिक्कत सामना किए हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। मोदी जी आते हैं तो कहते हैं वो हम लोग को टोपी पहना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे राशन अब फ्री मिल रहा है, नमक, राशन क्या, राशन फ्री, राशन से पेट भर लेंगे। तेल 200 रुपए किलो, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, वस्त्र खरीद लिया 10 का माल 100 में वस्त्र मिल रहा है, क्या करेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि एकदम चमका दिया पूरे बनारस। हाँ बहुत चमका दिए, आप भी देख लेना चमका है नहीं चमका है। नहीं आप एक हम है, हम भी जहाँ आप है वहाँ हम भी है, भगवान ने आपको भी हक दे रखा है, हमको भी हक दे रखा है, चला चला के जीवन यापन करते हैं। भैया जितना के वहाँ जितना हम लोग दुख झेले हैं जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है, मोदी जी अच्छे नहीं है। हम लोग को रोज गढ़ा खोदना है, अच्छा है दुनिया में सब, कोई खराब नहीं है, सिर्फ इंसान का सोच इंसान को खराब कर देता है, समझ में आया? तो इस समय क्या मतलब दुख क्या है आपको, सरकार से क्या तकलीफ है? कोई दुख नहीं है, अरे शिक्षित को नौकरी दिलाए और काम धंधा आदमी जैसे खा रहा है कमा रहा है उसको जीने खाने दे और क्या है। तो अब मतलब काम नहीं मिल रहा है आपको? काम क्या, देखिए गाड़ी बंद, ट्रेन बंद, कोई सवारी नहीं, कोरोना काल बंद, सब कोई जान दिन भर में। अरे तो फिर योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे ना? अरे देखिए अब उनका नसीब है मतलब चुनाव तो होगा ही, चुनाव होगा तो जनता तो उनको चुनेगी ना, जनता में तो आप बताएगा स्वतंत्र आप भी हैं। अरे तो भैया हमें अकेले थोड़ो जिता देंगे, काहे नहीं जिता, ये कोई चार जीत होती है, क्या बात कर रहे हैं भैया, वो सब नहीं है, वो तो उनका नसीब ना बताएगा वो जीतेंगे क्या हारेंगे। चलिए बहुत काफी दिक्कत है बनारस में ना, दिक्कत तो इतना है, दिक्कत आप झेल नहीं पाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। चलिए आप तेल लेके गाड़ी चलाइए, आगे बढ़िए। भैया मैं बताया जवान लोग हैं हमारे साथ,
क्योंकि ऐसे ही था थोड़ा सा, उसको भी लगा इधर से आ जाओ तो मुझे कर लेना चाहिए था। तो बहुत काफ़ी दिक्कत है पाल जी ना। जी जी सर, हमने 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया UPPCL में, लेकिन सरकारें निकम्मी हैं। लोग बच्चों को, इतना बच्चों को बुलाएंगे, 10 गुना बुलाएंगे, 5 गुना बुलाएंगे, बाद में इनका पता नहीं क्या प्रोसेस है। जब से कि नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम आया है तब तक किसको नौकरी मिलेगी कोई नहीं जानता। हम खूब मेहनत करेंगे लेकिन किसको नौकरी मिलेगी हमें नहीं मालूम। पाल जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? पिताजी हैं और बहनें हैं, सिस्टर हैं, 4 बहनें हैं। सबकी शादियाँ कर ली? नहीं, अभी नहीं हुआ है। किसी की शादी नहीं? नहीं, 2 बहनों की हो चुका है, अभी 3 बहनें छोटी हैं, उनका शादी करना है। और पिताजी हैं, मम्मी नहीं है। देख लीजिए भैया, यही दर्द है। आप लोग कहते हैं ना कि कहाँ से उठा के लेके चले आते हैं, ये दर्द है। आह, इसी को आह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये आह है कि हम सब कुछ करके लेकिन कुछ नहीं कर, मतलब मेरे पास हथियार रहते हुए भी हम हथियार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे योगी जी कहते हैं, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में योग्य नहीं है। अगर योग्य नहीं है तो हम क्यों कॉलेज खोल रहे हैं, क्यों यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं? बंद करवा दीजिए सबको। जब हम लोग योग्य ही नहीं है, क्यों सर्टिफिकेट दिया जा रहा है हमको? जी जी, आखिर में हम पढ़ रहे हैं, तभी तो हमें पॉलिटेक्निक की डिग्री ऐसे तो मिल नहीं गई। जी जी, इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि पॉलिटेक्निक की डिग्री खरीद लेंगे। सही बात, मेहनत करके, मेहनत किए हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि काबिल नहीं है, आप लोग के अंदर काबिलियत नहीं है। अरे, इस प्रधानमंत्री, इन मुख्यमंत्री, जो सांसद विधायक हैं, जो असेंबली में जाके संसद भवन में बैठते हैं, देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कितने काबिल हैं। इन लोगों के लिए कुछ लोग कुछ क्वालिफिकेशन रखना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि नेता को बनने के लिए कोई क्वालिफाई नहीं चाहिए, कोई नहीं है, कोई उसका सर्टिफिकेट चेक करने वाला नहीं है। आप सफाई कर्मी के लिए भर्ती करिए तो 50 डॉक्यूमेंट होगा आपका, ये होगा, वेरिफिकेशन होगा, कहीं अगर फोर्स से रिलेटेड है तो आपका मेडिकल वो भी होगा कि आप कहीं कुछ अपराध तो नहीं किए हैं। लेकिन हजारों अपराध करने के बाद ये लोग राजनीति में जाते हैं और अच्छी खासी लग्जरी गाड़ी में जाते हैं, सब कुछ इनके लिए अच्छी व्यवस्था है, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। नियम कानून हमारे देश में सिर्फ छोटे के लिए है। आप जितने छोटे हैं आपके लिए उतना ही अच्छा नियम कानून हावी है। आप अगर बड़े स्तर के लोग हैं जी जी, तो आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है। ऐसे ऐसे हैं, देख लीजिए क्या करेंगे हमारे देश में। ये दर्द है, दर्द, वाकई दर्द दिख रहा है, झलक रहा है कि हमने जो मेहनत किया है, जो 25-26 वर्ष जो समय गुजारा है, 20 वर्ष जो समय गुजारा है, कहीं ना कहीं आज आह बन के निकल रहा है। गांव में जाते हैं घर में ना, तो कोई पूछता है तो ये होता है कि कोई अभी घर जा रहे हैं ना, ये ना हो कि कोई देख ले, ऐसे आराम से निकल लो गली से, कोई देख लेने, एक दिन घर रहना है, उसके बाद नेक्स्ट दिन आना है, कोई देखने के बाद तो पूछेगा। तमाम तरह के लोगों का सोच है, लेकिन खाने वाली चीज़ नहीं है आज का कॉम्पिटिशन। जो कॉम्पिटिशन से गुजर रहा है वही जान रहा है। लोग क्या कहते हैं भैया, अरे सब लोग, कुछ लोग मजा भी लेते हैं, लोगों को मजा भी आता है, तो ऐसे ऐसे हैं, क्या करें। लेकिन हमारी सरकारें बहुत निकम्मी हैं, बहुत निकम्मी है, इतनी तो इतना निकम्मा कह नहीं सकते। चलिए, आपकी बात सुनकर थोड़ा सा दर्द हुआ कि वाकई आप कहते हैं कि मैंने सबको, हमारे जब ये चुनाव के पहले बृजभूषण दुबे ने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा था कि जब हम लड़कों से पूछा कि भैया रोजगार की बात करिए, तो कह रहे थे हिंदुत्व की बात होगी। अब हम उस लड़कों से कहते हैं अब कहाँ गई आपकी हिंदुत्व, उन पे एक जुनून सवार था बस। अरे देश की बात, हिंदू मुस्लिम क्या है हमारे समझ में, आउट ऑफ कंट्री में आप जाएंगे, हिंदू मुस्लिम इसलिए करते हैं ना उनके, ये हमारे देश में एक माइनॉरिटी है कि लोगों को भ्रमित किया जाए, क्योंकि जो जितने ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको धर्म और जाति में इतना ज्यादा झोंक दिया जाए कि वो आपका बुड़ गए, बस एक भूत सवार रहता है। यहाँ तक कि कुछ बहुत से भी पढ़े लिखे लोग भी हैं हमारे साथ भी, उनको भी एक भूत सवार है, एक जुनून सवार है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा धर्म है, हमारी जाति है। अरे पता नहीं क्या, एक ही खून के सब लोग बने हैं, सबका खून लाल है, किसी का रेड है तो किसी का हरा तो नहीं है। सही कहा आप, सही रूप रेखा सबकी अनेक है, सोच सबकी अनेक है। सही कहा आप, बहुत दुखित हैं और मैं कामना करूंगा उन लोग जो हिंदू चिल्लाते थे, हिंदुत्व बनते थे, आज इनके दर्द को समझ के देखिए, हिंदुत्व खाने को नहीं देगा। जब आप जॉब करेंगे ना, नौकरी करने के पैसा रहेगा तभी आप शौक से खा पाएंगे। यहाँ पेट का सवाल है, समाज में आपकी इज्जत भी रहेगी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समाज में कोई इज्जत भी नहीं है। जी जी जी, सही कहा आपने। और आप तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, हमसे भी बहुत सीनियर हैं। नहीं नहीं नहीं, और ये तो इधर, और आपसे बहुत
नहीं संयोग था आज कैसे पता नहीं मिल गए। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग का प्यार आशीर्वाद है। जितेंद्र कल भी जीरो था, आज भी जीरो है, तो बहुत भाग्य था। हम कह रहे तो कहाँ से ये आ गए। नहीं ये दर्द झलक रहा है आपका, बताना नहीं है, दर्द झलक रहा है। दर्द को हम निश्चित और सर माननी चाहिए ऐसी सरकार को कि आप जैसे युवाओं पर ध्यान नहीं देती है। बीटेक करना, एमटेक करना, पॉलिटेक्निक करना, कितना पहलुओं से गुजरना पड़ता है, जो पढ़ता है वो जानता है। सरकार तो चाहती है कि आने वाली पीढ़ी गूंगी हो जाए। आप तो बोल ले रहे हैं, आप तो वो बोल ले रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां गूंगी हो जाए, नहीं चाहती है कि बोले। पाल जी तो बोल ले रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी शायद ना बोल पाए। इस सरकार का ये मेन फंडा है कि लोग को अशिक्षित कर दो। जब लोग अशिक्षित रहेंगे तो बोलेंगे नहीं, जो हम कहेंगे बस वही सुनेंगे, सिर्फ वही कहेंगे। अशिक्षित कर दो बस। स्कूल काले दो साल से बंद करवा रहे हैं रोज, कभी एक कभी एक रैलियां नहीं बंद। रैलियां तो भाई इनका अभी देखिए पंजाब में क्या हुआ था, अभी ये रैलियां इनका रोज चल रही है। बाबा का भी रैली चलेगा, इनके जितने स्टार प्रचारक हैं, मोदी जी का चलेगा। अरे आपको रैली करनी है तो बृजभूषण दुबे कहते हैं कि आप डिजिटल रैली करिए, सब लोग जुड़े हैं। सही बात है, सब जुड़े हैं ना, डिजिटल रैली करिए। कितना हजारों करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, देश बहुत गरीब है साहब। जी 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 सही कह रहे हैं, बहुत गरीब है। अभी भी हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं ना कि जिनको खाने के लिए शाम को नहीं है। सही बात है। अब दूसरा मैं क्या बताऊँ, अभी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। उधर है एक है जो कि लाश की तरह पड़ी हुई है, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ। मैं क्या बताऊँ, लाश की तरह वो पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कोई उसका है नहीं। तो इस तरह से मैं वहाँ पे जाना भी नहीं चाहता हूँ, वहाँ की कई कंडीशन ख़राब हैं और दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। और बताइए विवेकानंद जी, और बताइए कैसा लगा? जी सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके। मैं तो अचानक जा ही रहा था इधर विद्यापीठ वाले रोड से, फिर आप सामने से दिख गए सर। जी जी। तो फिर इसके बाद मैं देखा तो बड़ा रही तो जितेंद्र सर है, तब तक मैं फिर घुमा करके फिर आया, फिर आपको जो है कि आपसे मिला सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलिए आप दोनों लोग को मेरी शुभकामना है, और आप लोग जो चाहते हैं आपके मंजिल आपके करीब हो। देखिए सरकार पाल जी, आप भी समझते हैं कि सरकार निकम्मी हो चुकी है, जब हमारे जैसे लोग को नहीं समझ पाई। अभी हम लोग भी टीचर भर्ती को लेकर के सर बहुत ज्यादा देख लीजिए, लखनऊ में टीचर भर्ती को सर 97,000 के लिए सर बहुत दिक्कत हुई। देख लीजिए लखनऊ में राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैसे कैसे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं टीचर, जो कि भविष्य तैयार करते, अगर आज होते हो तो भविष्य तैयार करते सर। कितने का भविष्य संवरता सर, अगर भर्ती हो जाता कितनों का भविष्य संवर भी जाता। तो ऐसे रहा, बड़ा तकलीफ तो खैर होता है, लेकिन इसमें देखना नहीं है। अब तो फिर अब जो देखा जाए, जो नेक्स्ट सरकार आए क्या करती है क्या नहीं करती है कुछ नहीं। देखिए सरकार कोई भी आएगी जाएगी, सरकार तो चाहती है कि आप इतने इतने नर्वस हो जाए कि सामने मेरे आके घुटना टेक दें, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश कोई हो, चाहे मायावती जी हो। मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है, लेकिन सभी लोग यही चाहते हैं कि आके मेरे सामने घुटना टेके। आप पढ़ लिख लेंगे तो आप अपने बारे में जान जाएंगे, तो आवाज उठाएंगे। आज कैसे आप बोल रहे हैं, आज पढ़े लिखे ना होते तो ये आवाज नहीं आती, नहीं बोल पाते ना। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। और आज मैं रहा बनारस, बनारस आप देख सकते हैं टेंट है और रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन पे विवेकानंद जी हैं, पाल जी हैं जो कि ये चंदौली से हैं, और रहे जौनपुर से। ये स्थिति है ऐसे युवाओं की। लास्ट में क्या करना चाहिए? से सर हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि जोश एक्सप्रेस को सर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। और जितेंद्र भाई का हौसला तो वैसे ही आसमानों पर है, लेकिन और युवाओं को जो हौसला देते हैं सर जी, वो और बढ़ता रहे जी सर। और पाल जी आखिरी में आप क्या कहना सर? यही करना चाहेंगे, आपको देख कर लोग बहुत, हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि और हम ये लड़ना है। आप लड़ना थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे साफ झलक दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से नहीं रूबरू होके कह रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ कि दिक्कतों का सामना करना, आप कभी हताश मत होइएगा। नहीं, 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 नहीं। भले ही नौकरी नहीं करेंगे ठीक है, मैं नौकर बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि मैं छोटा सा मालिक बन के दिखाऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैं किसी का जाके नौकर करूंगा। अच्छा डीएम भी है क्या है वो? डीएम क्या है? नौकर है, नौकर है। मुख्यमंत्री क्या है? नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है। तो ये मत घबराइए कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी शुभकामना यही रहेगी कि आप बहुत बड़ा मालिक बनिए। ठीक है, हताश मत होइएगा, ठीक है ना? मैं यही चाहूंगा। चेहरे पे जो झुरकियां दिख रही साफ दिखाई, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। अधिक बदी बहरी सरकार नहीं समझेगी ये मैं जानता हूँ, लेकिन इनके सामने लोग कहते हैं ना कि अंधे के सामने रोना और अपना दीदा खोना, तो आप मत रोइए। विशेष जितेंद्र विनती करता है।
ठीक है ना। आपसे मैं विनती, इससे क्या विनती करूंगा, सरकार से जितेंद्र विनती करेगा, कभी नहीं करेगा। जितेंद्र छोड़ के खाएगा, ये रोक ले हमको, नहीं चाहिए। नाम दे दिया दिव्यांग, देखिए दिव्यांग एक चमक रहा है, दबा दे हमको। इसकी औकात है, सरकार की औकात है कि जितेंद्र की आवाज को दबा देगा? नहीं, बोलते नहीं, रहेंगे दबाए हमको नहीं। जिस दिन आचार संहिता लागू हुआ उसी दिन हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक लड़के ने फांसी लगा दी रात को, बताइए, सुसाइड कर लिया तुरंत। एक वहाँ हमारा एक मित्र है इलाहाबाद में, उन्होंने फोटो भेजा, हम कहें देखिए क्या करें। नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए बहुत बड़ी मूर्खता, सुसाइड करना नहीं है, बुद्धिपन है। मैं पहले ही बोला ना कि मरना बहुत आसान है, लेकिन जीकर किसी भी परिस्थिति में आप जीकर दिखाएंगे पाल जी। किसी को मैं सभी स्टूडेंट को, मेरा वीडियो अक्सर देखते होंगे तो स्टूडेंट और टीचर के साथ रहता होगा, मैं उनसे यही कहता हूँ किसी भी परिस्थिति में आपको जी के दिखाना है। सरकार को तो अंधी बह रही है, उसके ऊपर न छोड़िए, छोड़ दीजिए सब कुछ, अब अपने ऊपर क्या करना है इसको देखना है। तो मेरी शुभकामना है आप दोनों लोग के साथ, आप लोग अच्छा करिए, सरकार क्या कर रही है छोड़ दीजिए, एकदम डिमोटिवेट नहीं होना है, हंसते रहना है। जिंदगी का वही सफर है जो हंस के गुजारेगा, एकदम कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है, क्योंकि शाम को अगर चूल्हे में आग लगाएंगे तो आप लगाएंगे, ना कि कोई देखने वाला लगाएगा, और जो टीका टिप्पणी करता है वो लगाएगा। जितेंद्र आज बोल रहा है अगर शाम को चूल्हे में आग लगानी हो तो जितेंद्र लगाएगा। लोग कहते हैं ऐसा क्या बोलता है, लेकिन जितेंद्र बोलता है यूं है कि आपको जगाने के लिए बोलता है कि होश में आओ और जग जाओ कि मैं हूं का, अपने आप को पहचानो। जो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा धरती पे किसी को नहीं पहचान पाएगा, क्यों? आत्मशक्ति है तो बस वही है, तो यही है, अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। जी जी जी, चलिए आज बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके, और आज मैं रहा बनारस में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए ऐसे तमाम स्टूडेंटों के साथ, फिर मैं रहूँगा, और ये हमारे देश के भविष्य सबके लिए। जितेंद्र कामना करता था, कामना करता है और कामना करता रहेगा। इसी वाणी के साथ जय हिंद जय भारत।